सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन व्यक्ति का आधा जीवन एक विषय में व्यतीत हो जाता है। सुनकर के परीक्षित भी चौंक गए हैं कि ऐसा कौन सा विषय है जिसमें व्यक्ति अपना आधा जीवन बिता देता है फिर भी उबता नहीं है, ऐसा कौन सा विषय है? आपको मालूम है ऐसा कौन सा विषय है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें हम अपनी आधी उम्र बिता देते हैं? क्रोध तो हम लगातार कर नहीं सकते, प्रसन्न भी हम लगातार नहीं रह सकते, लोभी भी लगातार नहीं बन सकते, कामी भी लगातार नहीं बन सकते। ऐसा कौन सा विषय है जिसमें व्यक्ति अपना आधा जीवन निकालता है फिर भी नहीं उबता, संतुष्ट नहीं होता? सुखदेव जी कहते हैं, निद्रया हयते नक्तम व्यवाये न च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आधा जीवन किस में बिता देते हैं हम, जल्दी बोलिए। निद्रया, निद्रया मतलब सोने में। किस में बिताते हैं? सोने में बिताते हैं ना। उम्र 100 वर्ष है तो 50 साल सोते हैं, उम्र 50 वर्ष है तो 25 वर्ष सोते हैं, आधी उम्र निद्रा में सोने में व्यतीत हो जाती है। फिर कहा जब दिन हुआ तो दिवाचार थे हया राजन, दिन होते ही क्या दिखता है? हाय धन, हाय धन, हाय धन। धन कमाना है परिवार के लिए, बच्चों को पालना है, आधी उम्र निकाली नींद में, फिर जो आधी उम्र बची तो वो पैसा कमाने में और बच्चों को और घर गृहस्थी को चलाने में निकल गई। कहा आए थे हरि भजन खो ओटन लगे कपास। ये कहावत आपने नहीं सुनी होगी, एक कहावत है, आए थे भजन करने और करने लगे कुछ और, आए थे भजन करने और करने लगे कुछ और। मैंने कहा कि हम गृहस्थी संसारी लोग, हम दिन रात भजन नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत से काम भी हैं घर गृहस्थी के, परिवार पालना, ये वो जमाने भर के काम है। लेकिन उन जमाने भर के काम में मैंने कहा 24 घंटे में से 23.5 घंटे आपके, लेकिन आधा घंटा भजन करो और भजन करके आत्म कल्याण करो। क्या करो? आत्म कल्याण। भजन अपने लिए करो, भजन से किसी दूसरे का भला नहीं होना, आप जो भजन करोगे उससे आपका ही भला होना है, भजन करना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन व्यक्ति का आधा जीवन केवल निद्रा में, केवल नींद में निकल जाता है।